हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो एक सर्वे के अंदर जो एसएससी या उसके पार्टनर्स की स्टेटमेंट ली जाती है उसकी क्या एविडेंट्री वैल्यू है असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में, इस इशू को डिस्कस करेंगे। दूसरा, इस केस के अंदर ट्रिब्यूनल ने यह भी बताया कि यदि किसी डॉक्यूमेंट पर रिलाय करना है तो उस डॉक्यूमेंट को रीड करने का क्या तरीका है, क्या ऐसा संभव है कि हम डॉक्यूमेंट के किसी एक पार्ट को ठीक मान लें और बाकी पार्ट को गलत मान लें। यही चीज अहमदाबाद आईटीएटी के डी बेंच के जजमेंट में ट्रिब्यूनल ने इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस शुभ डेवलपर्स के केस में इस चीज को डिस्कस किया। यह केस 5 जनवरी 2024 को डिसाइड हुआ और इस केस को 109 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 61 पर रिपोर्ट हुआ। प्रेजेंट केस में एसएससी एक कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है और वो अपनी रिटर्न को प्रेजम्प्टिव बेसिस पर फाइल करता है और उस प्रेजम्प्टिव बेसिस पर फाइल करने में अपने जो टर्नओवर है उसके ऊपर 8% का प्रॉफिट दिखाता है। एसएससी के यहां एक सर्वे हुआ 3 सितंबर 2013 को। सर्वे के अंदर पार्टनरशिप फर्म, इस केस में एसएससी है, उसके दो पार्टनर्स ने अपनी स्टेटमेंट के अंदर यह बयान दिया कि 3.51 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर, जो कि बुक्स के अंदर नहीं लिया गया। इस चीज को दो पार्टनर्स ने अपनी स्टेटमेंट के अंदर एडमिट किया। जब सर्वे होने के बाद एसएससी की असेसमेंट चल रही थी असेसिंग ऑफिसर के पास, तो उस वक्त एसएससी ने एक तो अपनी स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट किया। यह सर्वे 3 सितंबर 2013 को हुआ था और करीबन एक साल तीन महीने बाद 8 दिसंबर 2014 को एसएससी ने अपनी स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट किया एफिडेविट देते हुए। जब यह स्टेटमेंट रिट्रैक्ट की गई तो उस वक्त एसएससी ने जो भी एसएससी ने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए थे उन सब की प्रोजेक्ट्स की डिटेल दी। ये बताया कि इन प्रोजेक्ट्स पर इतना इतना प्रॉफिट हुआ था और इस प्रॉफिट को हम पहले अपनी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में, पहले सालों की कंप्यूटेशन में ले चुके हैं। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने इस रिट्रैक्शन स्टेटमेंट को सेल्फ सर्विंग मानते हुए एक्सेप्ट नहीं किया और जो कुछ भी पार्टनर्स ने अपनी स्टेटमेंट में एडमिट किया था 3.51 करोड़ की इनकम को, उसको ऐड कर दिया। जब यह मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील का यह कहना था कि एसएससी ने अपनी स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट किया है एफिडेविट के साथ और पूरे एविडेंसेस दिए हैं कि एसएससी ने जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिए थे उन प्रोजेक्ट्स पर पहले ही एसएससी अपनी इनकम में उसको ले चुका है और जो पार्टनर्स ने एडमिट किया है 3.551 करोड़ का प्रॉफिट एलिमेंट, वो प्रॉफिट एलिमेंट ऑलरेडी एसएससी की इनकम में लिया जा चुका है। लेकिन फिर भी इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस बैलेंसिंग अप्रोच लेते हुए सीआईटी अपील ने जो टर्नओवर था उसका 12.5% एसएससी की इनकम में उसको एडिशन रहने दिया। कहने का मतलब है जो पूरा 3.51 करोड़ था उसको, उस एडिशन को डिलीट करते हुए खाली 12.5% का डिलीशन डिसअलाउंस रहने दिया। डिपार्टमेंट इस मैटर को ट्रिब्यूनल के पास लेकर के गया तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि एक सर्वे के केस में जो सेक्शन 133 ए में सर्वे किया जाता है उसके अंदर जो स्टेटमेंट है जो ली जाती है वो ओथ पर नहीं ली जाती और उस स्टेटमेंट की एविडेंट्री वैल्यू जब तक नहीं होती जब तक कि वो खुद एविडेंसेस से सपोर्ट ना होती हो, क्योंकि इस प्रेजेंट केस के अंदर डिपार्टमेंट 3.51 करोड़ की जो इनकम एस्केपमेंट की बात थी उसको प्रूव नहीं कर पाया था, उसके एविडेंसेस नहीं थे, बल्कि एसएससी इस बात को साबित कर पाया था कि 3.51 करोड़ पहले ही एसएससी की इनकम में लिया जा चुका है। तो पहली बात तो ये कि सर्वे के दौरान जो स्टेटमेंट ली जाती है वो ओथ पर नहीं होती, उसकी एविडेंट्री वैल्यू नहीं होती जब तक कि एविडेंसेस ना हो। और दूसरा, ट्रिब्यूनल ने यह भी बताया कि जब किसी डॉक्यूमेंट को हमको रीड करना होता है तो उसको एज ए होल रीड किया जाना चाहिए,
ये चीज परमिसेबल नहीं होती कि हम उसके एक पार्ट को ठीक मान ले और बाकी के पार्ट को इग्नोर कर दें। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस शुभ डेवलपर्स। यह केस 109 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 61 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर अहमदाबाद आईटीएटी की डी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 5 जनवरी 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।